हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्विंग ट्रेड। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएसएफ इंडिया कंपनी के बारे में। इस कंपनी का एनालिसिस करेंगे, इसका रिजल्ट भी आ चुका है। तो रिजल्ट का बेस पे अभी स्टॉक में हमें क्या करना चाहिए, तो इसका रिजल्ट का थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। फ्रेंड्स, आज के दिन में दो वीडियो अपलोड हो चुका है, अगर आपने नहीं देखा है यहाँ से जाके देख सकते हैं, जो कि चैनल पर दो वीडियो अपलोड हो चुका है, जो कि एक क्विकली एक रिव्यू है सारे स्टॉक का, 10 स्टॉक का, और बाकी और एक स्टॉक के फास्ट सोर्स सॉल्यूशन कंपनी के बारे में रिव्यू किया है। चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी ये जो वीडियो है बीएसएफ कंपनी का बारे में अगर हम बात करेंगे, इसका रिजल्ट भी आ चुका है। पहले एक बार रिजल्ट में देख लेते हैं, जो कि आज के दिन में इसमें 2.8% का गिरावट हुआ है। अगर इस स्टॉक का हम बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए, जो कि जून क्वार्टर में यहाँ पे स्क्रीनर में आ जाते हैं, यहाँ पे 13,000 करोड़ का मार्केट कैप है। अगर आरओसी देखते हैं, यहाँ पे 23 का आरओसी है, और डेट अगर देखते हैं, डेट पे इतना ज़्यादा डेट कंपनी के ऊपर है ही नहीं, 0.10% का डेट है। और कंपनी का अगर हम प्रमोटर प्लेस देखेंगे, 0% कम प्रमोटर प्लेस है। ऑल टाइम हाई पे स्टॉक चल रहा था 3,930 पे, अभी करेंट लेवल पे चल रहा है 3,034 पे। अगर इस कंपनी का अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे, तो क्वार्टरली रिजल्ट अभी पोस्ट किया हुआ है। अभी यहाँ पे देखिए, सेल्स में एक बढ़िया सा एक ग्रोथ हुआ है। अगर सेल्स हम देखेंगे, 2,460 करोड़ का सेल्स था, अभी अगर सितंबर में देखेंगे 3,400 करोड़ का सेल्स है। सेल्स में एक बढ़िया सा ग्रोथ है। अगर यहाँ पे प्रॉफिट देखेंगे, प्रॉफिट में डिक्लाइन आया है। अगर हम प्रॉफिट देखते हैं यहाँ पे लास्ट सितंबर में ईयर ऑन ईयर अगर देखते हैं, 413 करोड़ का प्रॉफिट था, अभी 137 करोड़ का प्रॉफिट है। प्रॉफिट में डिक्लाइन जरूर हुआ है, ठीक है, ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पे अगर हम देखते हैं तो। लेकिन अगर हम लास्ट 4 क्वार्टर का प्रॉफिट देखते हैं, यहाँ पे देखिए 506 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है लास्ट 4 क्वार्टर में। अगर कंपनी का बैलेंस शीट जाके देखते हैं, बैलेंस शीट में रिजर्व हमेशा ग्रोइंग होते जा रहा है, रिजर्व में कोई प्रॉब्लम नहीं, बढ़िया सा रिजर्व में ग्रोइंग होते जा रहा है। जो कि लास्ट मार्च 2021 को 1743 करोड़ का रिजर्व था, अभी 2045 करोड़ का रिजर्व है। रिजर्व बढ़िया से ग्रोइंग होते जा रहा है। बोरोइंग तो यहाँ पे कम होते जा रहा है, ठीक है, बोरोइंग अभी रिड्यूस होते जा रहा है, तो मतलब ये एक अच्छा पॉजिटिव साइन होता है। अगर इस कंपनी में हम प्रमोटर का होल्डिंग देखेंगे, प्रमोटर एक कांस्टेंट होल्डिंग रखा है, जो कि मैक्सिमम होल्डिंग है, 73% का प्रमोटर के पास में होल्डिंग है। एफआई यहाँ पे स्टेक भी अपना इंक्रीज कर रहे हैं, देखिए वो यहाँ पे 1.96 था, 1.97, अभी 2.22% का एफआई के पास में होल्डिंग है। और म्यूचुअल फंड यहाँ पे डीआई के पास में, डोमेस्टिक जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, तो यहाँ पे उनका 6.6% का होल्डिंग है, पब्लिक के पास में 17% का होल्डिंग है। अगर ये स्टॉक का हम रखेंगे रिटर्न देखेंगे, रिटर्न देखिए, एक साल में ये स्टॉक ने 100% रिटर्न दिया है। यहाँ पे अगर प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे, यहाँ पे 500% का प्रॉफिट ग्रोथ भी हुआ है। प्रॉफिट ग्रोथ बढ़िया सा प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है ये स्टॉक में। अभी पहले चार्ट पे जाके देखते हैं ये स्टॉक में अभी क्या चार्ट पे कुछ नजर आ रहा है। अगर आपके पास में ये स्टॉक में होल्डिंग है, यहाँ पे एक ऑल टाइम हाई लगाया था जो कि 3,900 के पास में, अगर आप इस स्टॉक में कहीं पे यहीं पे अगर कहीं पे पोजीशन बनाया है, तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक में प्रॉफिटेबल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर आपको इस स्टॉक में पोजीशन बनाना है, या तो फिर आपका पोर्टफोलियो में है, अगर आप सेल कर देना चाहते हैं कि स्टॉक में थोड़ा सा गिरावट हो रहा है, इसके वजह से आप सेल करना चाहते हैं, मेरे हिसाब से इस स्टॉक को भी सेल करने का रीज़न नहीं है। क्योंकि देखिए, यहाँ पे मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, स्टॉक कहीं ना कहीं एक 100 डे हो या तो 200 डे हो, स्टॉक को अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा स्टॉक ने कितना बार सपोर्ट लिया। यहाँ पे अगर देखेंगे तो स्टॉक ने एक बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, ठीक है, फिर आप देखेंगे यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, फिर आप देखेंगे यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, फिर आप देखेंगे यहाँ पे भी सपोर्ट लिया। स्टॉक ने बहुत बार इस जगह पे सपोर्ट लिया है, तो इसी हिसाब से ये स्टॉक में अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट अभी जो अभी 100 डे का मूविंग एवरेज को ब्रेक कर चुका है, अगर हम देखेंगे स्टॉक जरूर इस लेवल तक जरूर आ सकता है, ठीक है। स्टॉक का लेवल यहाँ पे 2,800 तक जरूर आ सकता है। अगर आप ये स्टॉक में पोजीशन बनाना चाहते हैं, मेरे हिसाब से आप इस लेवल का जरूर इंतजार कीजिए, जो कि 2,800 का लेवल, ठीक है। इस लेवल पे आप अगर यहाँ पे पोजीशन बनाते हैं, यहाँ पे आपको एक बढ़िया सा रिटर्न मिल सकता है, ठीक है। ये स्टॉक में अगर हम पोजीशन यहाँ पे बना के चलेंगे, तो आपको यहाँ से एक देखिए यहाँ पे कितना परसेंटेज का गेन मिल सकता है, 35% का गेन यहाँ पे बढ़िया सा मिल सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आपका अपर लेवल पे बाइंग है, तो आप स्टॉक को होल्ड करके चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टॉक में, फाइनेंशियली कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप स्टॉक में बने रहिए तो आपको बढ़िया सा रिटर्न मिल सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। स्टॉक में फंडामेंटली कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ स्टॉक को हमेशा कंसोलिडेशन के फेज पे बाई करना है, जो कि 100 डे या तो फिर 200 डे मूविंग एवरेज के पास में पैटर्न देख के आपको पता चल जाएगा, उसी बेसिस पे बाई करेंगे, जो कि अच्छा सा गेन लेंगे। अगर आप लॉन्ग टर्म में भी ये स्टॉक को ऐड करना चाहते हैं, तो अभी ऐड करके चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको ऐड करना है तो ये लेवल का जरूर इंतजार कीजिए, जो कि 2800 से लेके 2900 का लेवल पर आप बाई करके चल सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स।
अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, अगर चैनल पर नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।